वैसे तो बहुत से तरीके हैं घर बैठे पैसे कमाने के आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूं कि आप घर बैठे किस तरीके से पैसे कमा सकते हो वो भी बिना इन्वेस्टमेंट किए आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं इस पे मैं बताऊंगा आपको कि आप वीडियो एडिटिंग करके घर बैठे कैसे एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो मेरा नाम है मोहम्मद शाबिर आप इनकम फंडा चैनल में इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें इस वीडियो में मैं आपको दो चीज बताने वाला हूं। एक मैं ये बताने वाला हूं कि आप वीडियो एडिटिंग कैसे करोगे एक मैं ये बताने वाला हूं कि आप किस वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग के लिए प्रोजेक्ट्स लोगे अगर आपके पास पीसी है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो भी आप मोबाइल से एडिट कर सकते हो आज मैं यही तरीका आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल से कैसे एडिट करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो इसके लिए बेसिकली फ्रेंड्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है वहां पर जाकर के काइन मास्टर सर्च करना है एंड उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड मोबाइल पर चलेगी आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना जरूरी है देन आप वहां से एडिटिंग कर सकते हो अब रही बात कि आप वीडियो एडिटिंग उस एप्लीकेशन में करना जानते नहीं हो तो आप क्या करो आप YouTube पे जाओ वहां पे सर्च करो काइन मास्टर आपको काइन मास्टर की ऑफिशियल YouTube चैनल दिख जाएगी वहां से आप उनके वीडियोस को देख करके यहाँ पे काइन मास्टर में किस तरीके से आपको वीडियो एडिटिंग करनी है ये आप सीख सकते हो बहुत इजीली मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है एंड साथ ही साथ उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे दिया है ताकि आप वीडियो देख करके वीडियो एडिट करना सीख सके अब चलिए मैं बताता हूं आपको कि आपको किस वेबसाइट में जाकर के आपको पैसे कमाने के लिए प्रोफाइल क्रिएट करना है दोस्तों मैं जो अब वेबसाइट का नाम बताने वाला हूं अभी उसकी काउंटिंग टॉप फाइव फिलानसिंग साइट्स के अंदर में आती है ये जो वेबसाइट है उसका नाम फाइबर है यहाँ पे बहुत सारे फिलानसर्स वर्क करते हैं फिलानसर्स बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं फॉर एक्जाम्पल वो एक वीडियो एडिटर भी हो सकते हैं वो एक फोटो एडिटर भी हो सकते हैं वो डेटा एंट्री का, का काम कर सकते हैं वो कॉपी पेस्ट का भी काम कर सकते हैं यहाँ पे आपकी स्किल वीडियो एडिटिंग के ऊपर है तो आप वीडियो एडिटिंग के लिए वहाँ पे प्रोफाइल बनाओगे मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाऊंगा अभी एंड दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है एंड आपको कैसे अपनी पहली गिग क्रिएट करके आपको उसको पब्लिश करना है आप देख सकते हो कि मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ इस वेबसाइट की डोमेन नेम है फाइवर डॉट कॉम ये वेबसाइट दुनिया की टॉप वेबसाइट में से एक है आपको यहां पर अगर ये पता करना है कि यहाँ पे जो लोग एज ए वीडियो एडिटर काम कर रहे हैं उनकी चार्जेस क्या है तो आप वो भी यहाँ पे पता कर सकते हो ये जो सर्च वाली ऑप्शन यहाँ पे दी गई है यहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग टाइप करना है एंड देन सर्च करना है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल आ चुकी है यहाँ पे जो लोग एज ए वीडियो एडिटर यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को क्रिएट किए हुए हैं आप यहाँ पे देखो उनकी रेट्स क्या है उनकी प्राइसिंग क्या है उनकी सर्विसेज की आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेरियस प्राइस है उनके अपने रेंज है आपको मैं एक बात और बता दूँ यहाँ पे ये यह जो रेटिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है ये रेटिंग्स यहाँ पे उन लोगों ने दिया है जो अपना काम इनसे करवाते हैं जो इनकी सर्विसेज को परचेस किए हैं उन्होंने यहाँ पे इनको रेटिंग्स दे रखा है आप देख सकते हो कितने लोगों ने इनको रेटिंग्स दे रखा है तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर इतने लोगों ने यहाँ पे इनको रेटिंग दिया है और उनकी प्राइसिंग ये है काम की तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि पर वीडियो एडिटिंग पे ये लोग क्या कमाते हैं और इन्होंने अब तक क्या कमाई यहाँ से कर रखा है चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कैसे करना है और अपना प्रोफाइल क्रिएट कैसे करना है देखो यहाँ पे ज्वाइन का बटन दिया गया है आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके इनके वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हो एंड अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो अगर आपको किसी तरह से दिक्कत है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है कि यहाँ पे प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है ऊपर आई सेक्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसपे मैंने डिटेल प्रोफाइल क्रिएट करना यहाँ पे सिखाया है और बताया है दोस्तों मैंने एक डेमो अकाउंट बना रखा है आगे के प्रोसेस को बताने के लिए मैं अपने डेमो अकाउंट में साइन इन करता हूँ मैं यहाँ पे साइन इन कर लिया हूँ जब आप यहाँ पे ज्वाइन करके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे तो फिर आप यहाँ से कैरी ऑन करना आपको यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के लिए क्या करना है वही मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों पहले तो आपको यहाँ से अपने प्रोफाइल सेक्शन पर जाना होगा दोस्तों मैं अपने प्रोफाइल सेक्शन पर आ चुका हूँ आप जब ज्वाइन कर लोगे एंड अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे देन आपकी प्रोफाइल सेक्शन इसी प्रकार से दिखेगी आपको वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना है देन आपको यहाँ पे गिग क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा मैं आपको बता दूँ गिग होता क्या है गिग को आप सिंपल फॉर्म में समझो कि आपकी जो भी सर्विसेज है सर्विसेज की जो भी प्राइसिंग है वो आप यहाँ पे डिटेल में भरते हो एंड यही चीज़ बायर देखता है देन आपकी सर्विसेज को परचेज करता है यहाँ पे और आपको प्रोजेक्ट देता है आप देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही होगी गिग टाइटल क्रिएट करने की कैटेगरी की एंड सर्च टैक्स की मैं इसको फटाफट -पड़ भर लेता हूँ देन आपको दिखाता हूँ दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने गिग टाइटल क्रिएट कर दिया है आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पे आपको गिग टाइटल जो है वो अपीलिंग लाइंस लिखना है ऐसा लिखना है आपको कि आप अपने बायर को अट्रैक्ट कर सको क्योंकि जब भी कोई फाइवर डॉट कॉम पर सर्च करेगा वीडियो एडिटर तो आपकी प्रोफाइल जब भी सामने शोकेस होगी जो ये टाइटल की लाइंस आपने यहाँ पे लिख रखा है यही चीज वहां पे होती है तो आप ये ये चीज का ध्यान रखना कि जो है अट्रैक्टिंग होना चाहिए तभी आपके बायर जो है आपकी सर्विस को परचेज करेंगे नाउ अब चलते हैं कैटेगरी सेक्शन पे कैटेगरी सेक्शन पे आपको क्लिक करना है देन वीडियो एंड एन पे आपको क्लिक कर लेना है देन आपको यहां से वीडियो एडिटिंग पे क्लिक करना है नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे गिंग मेटा डेटा में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है आप जिस भी तरह की वीडियो एडिटिंग करते हो आप उस चीज को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे मैं फिलहाल के लिए एक्सप्लेनर वीडियोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ नाउ सर्च टैक्स पे आपको पांच टैक्स मैक्सिमम यूज करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको टैक्स सर्च करना है एंड देन उसको सिलेक्ट करना है जब आप ये कर लोगे देन आप सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो स्कोप एंड प्राइसिंग का ऑप्शन होता है यहाँ पे आप अपने सर्विस के अकॉर्डिंग प्राइसिंग सेट कर सकते हो यहाँ पे आपको तीन तरह से सर्विसेज को सेल आउट करने का ऑप्शन मिलता है आपको पहली ऑप्शन मिलती है बेसिक की देन स्टैंडर्ड की देन प्रीमियम की आप यहाँ पे अपने काम एंड काम की टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसेस सेट कर सकते हो मैं आपको यहाँ पे ये यह जो सारी डिटेल्स भरनी है वो मैं भर के आपको फटाफट दिखाता हूँ दोस्तों मैंने यहाँ पे सारा डिटेल्स भर दिया है ये आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखो कि मैंने यहाँ पे तीन पैकेजेस क्रिएट करा है सिल्वर गोल्ड डायमंड बेसिक के अंदर में मैं बेसिक वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टैंडर्ड के अंदर में स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम के अंदर में प्रीमियम आप यहाँ पे ये यह भी देखो कि मैंने यहाँ पे डिलीवरी टाइम अलग अलग सेट कर रखा है ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना आपको जो फुटेज चाहिए होगा अपने क्लाइंट से उसकी टाइमिंग भी आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो कि आपको कितनी टाइमिंग की फुटेज चाहिए रनिंग टाइम में दोस्तों आपको ये बताना है कि आप जो भी फुटेज को एडिट करोगे वो फाइनल जो प्रोजेक्ट होगा वो कितने मिनट की होगी देन आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाता है आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना देन आप यहाँ पे देखो मैंने प्राइसिंग जो है अलग अलग कर रखा है ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना इसके ऊपर में आपको रिविजन भी दिख जाता है कि आप कितने रिविजन अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराओगे दोस्तों यहाँ पे आपको एड एक्स्ट्रा सर्विसेज की ऑप्शन मिल जाती है अगर आप अपने क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो तो आप उसकी भी यहाँ पे प्राइसिंग सेट कर सकते हो फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ एंड मैं फर्दर स्टेप्स के लिए सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ अगला जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है यहाँ पे आप अपने गीक को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हो मैक्सिमम आप 1200 सौ कैरेक्टर तक एक्सप्लेन कर सकते हो मिनिमम आपको 120 ट्वेंटी तक एक्सप्लेन करना है चलिए मैं अपने गीक को यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपने गीत को एक्सप्लेन कर दिया है आप भी इसी तरीके से अपने गीत को यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि आप जो भी सर्विसेज वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड प्रोवाइड करवाने वाले हो या आप जिस भी तरह की एडिटिंग करते हो उसको जरूर यहाँ पे मेंशन करना ताकि आपके बायर को ये क्लियरली समझ में आ जाए कि आप किस किस तरह के वीडियो को एडिट कर सकते हो चलिए नीचे आते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन का मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये एफ को जरूर फिलअप करें यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन एंड आंसर क्रिएट करना है जो कि आपके बायर के माइंड में फ्रिक्वेंटली आ सकता है उनकी कोई भी डाउट्स ऐसी होगी जो कॉमन क्वेश्चन होगा उसी को आपको यहाँ पे क्रिएट करके खुद ही उसका आंसर यहाँ पे डाल देना है जब आप एफ क्रिएट कर लोगे देन आप आगे के स्टेप्स के लिए सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना नाउ आपको अगला ऑप्शन मिलता है रिक्वायरमेंट्स का यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप अपने बायर या अपने क्लाइंट से जो भी डेटा या जो भी चीज का रिक्वायरमेंट हो आपको वीडियो एडिटिंग के लिए वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है क्लियरली चलिए मैं इसको फिल करके आपको समझाता हूँ मैंने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स को फिलअप कर दिया है कि मुझे अपने क्लाइंट से क्या चाहिए होगा वीडियो एडिटिंग के लिए आप भी इसी तरीके से यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट्स को फिलअप कर देना कि आप जिस भी तरह की वीडियो को एडिट करते हो आपको उस तरह की वीडियो को एडिट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा अपने क्लाइंट से वो चीज़ आप यहाँ पे फिलअप कर देना अच्छे से एंड नाव आपको यहाँ पे एड के ऑप्शन पर क्लिक करना है नाव अब यहाँ पर आप सेव एन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास आता है गैलरी का यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आप अपने गिग से रिलेटेड गिग की वीडियो डाल सकते हो गिग फोटोज़ डाल सकते हो गिग की पी भी डाल सकते हो यहाँ पे जो आपके पास ये ऑप्शन आ रही है गिग वीडियो की यहाँ पे आप अपने काम को ही यहाँ पे शोकेस करोगे मतलब आप जो भी वीडियो एडिटिंग करते हो जिस भी तरह की वीडियो एडिटिंग करते हो उस तरह का एक सैम्पल वीडियो यहाँ पे आप अपलोड करोगे एंड सिमिलरली उसी तरह से आप अपने गिग को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे उसकी फ़ोटो डालोगे चलिए मैं यहाँ पे वीडियो एंड फ़ोटो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना गिग वीडियो डाल दिया है आप जो यहाँ पे गिग वीडियो डालोगे उसकी जो फाइल साइज होगी वो पचास एम से कम होनी चाहिए मैंने यहाँ पे गिग फोटो भी डाल दिया है फिलहाल मेरे पास पी नहीं है मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है टिक का मार्क आ जाएगा देन आप यहाँ पर सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी जो ये गिग है वो पब्लिश होने के लिए तैयार है यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला है पब्लिश गिग का मैं यहाँ पे पब्लिश गिग के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये गिग हमारी पब्लिश हो जाएगी नाव मैं आपको अब आप पब्लिश गिग के बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ अपने गिग को पब्लिश करके दोस्तों हमारी जो गिग है वो पब्लिश हो चुकी है आप यहाँ पे देखो इट्स अलाइव यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इट मीन्स कि हमारी जो गिग है वो पब्लिश हो गई है अब नाव नीचे डन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है फिर दोस्तों आप ये देख सकते हो कि ये जो गिग का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर में हमारी ये जो गिग मैंने क्रिएट कराया अभी जस्ट वो हमारी एक्टिव है अब मैं आपको और कुछ बता देता हूं कि आपको अगर अर्निंग्स देखना होगा तो आप यहां पे अर्निंग के सेक्शन पे क्लिक करके अपनी अर्निंग्स को चेक कर सकते हो एंड यहां पे आप देखो कि विड्रॉ का ऑप्शन में आपको पेपल या बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है तो यहां पे कोई हेजिटेशन नहीं है कि आपका पेमेंट यहाँ पे फंसेगा आपको आपकी पेमेंट जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भी मिल जाएगी या आप चाहो तो पेपल अकाउंट में भी रिसीव कर सकते हो ना अगर आपको ऑर्डर देखना है तो आप यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन पे क्लिक करोगे फिलहाल के लिए मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है आपको जब भी कोई ऑर्डर मिलेगा तो आपकी ऑर्डर जो है यहीं पे शो होगी दोस्तों आप अपने गिग को अपने प्रोफाइल सेक्शन में विजिट करके भी देख सकते हो मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है देन प्रोफाइल पे क्लिक करना है नाउ आप देख सकते हो कि हमारी ये जो गिग है जो हमने अभी जस्ट क्रिएट करा है वो एक्टिव गिग्स के अंदर में शो हो रही है दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको गिग क्रिएट करके दिखा दिया है कि आपको गिग कैसे क्रिएट करनी है मेरी ये गिग एक्टिव है आपको भी इसी तरीके से गिग क्रिएट करना है मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा होगा एंड आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गई होगी जिन लोगों को कुछ डाउट्स रह गया हो वो कमेंट करें मैं उनको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें एंड उस पर ऑल को सेलेक्ट करें मिलता हूँ मैं अपने अगली वीडियो में